वेलकम टू माय चैनल क्लियर कोटा में। और आज हम देखेंगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का जीवनी, जो कि VBU सेमेस्टर 1 के लिए है। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल क्लियर कोटा में, या फिर अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का जीवनी। तो आइए हम देखते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल कोटा साहित्य एगो नाम लागे जकर विवाद कर घेरा राखल गया है। और कोटा सॉरी भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल कोटा साहित्य के एगो ऐसा नाम है कि जो विवाद के घेराव में रखा गया है। कोई इनका मध्यकाल के कवि कहो तो कोई इनका आधुनिक काल के, और कोई इनको मध्यकाल के कवि बोलते हैं तो कोई आधुनिक काल कर। एकर पाछू एकर कारण है कि कोटा साहित्य के काल विभाजन, और एकर पीछे कारण है कि कोटा का विभाजन हुआ है, कौन से काल में कौन से कवि आए थे। वो जे कोई आधुनिक काल कर शुरुआत देश कर आज़ादी के बाद से मानो है तो है सब व्याकुल जी के मध्यकाल कर मानो है। और जो आज़ादी के बाद से मानता है वो सब व्याकुल जी के मध्यकाल कर मानो है। ऐसे आधुनिक काल कर माने है वह आधुनिक सोच, मैंने कि नावा सोचा है, नावा सोची देश में 1857 कर क्रांति कर बादे आयल रहे। ये छोटा नागपुरे में आए रहे, सॉरी आर ई कोटा साहित्य में 1920 ईस्वी कर बाद ही आयल गया है, जखन व्याकुल जी गांधी जी के आंदोलन कर प्रचार खातिर कोटा गीत गावे लगला। और गांधी जी के प्रचार खातिर व्याकुल जी महात्मा गांधी का गाना गाने लगते हैं। आप कटी उनकर जीवनी परिचय देखल जाओ और उनकर साहित्य भेक्त बेल विचार के ओकर बादे निर्णय करल जाए। और साहित्य व्यक्त यानी अच्छी तरह से जानकारी हो जाने के बाद उनका डिसीजन किया जाएगा कि वो कौन से काल में आते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी गांव महथाडी जिला गिरिडीह तखनक हजारीबाग में एगो ब्राह्मण परिवारे भेल रहे। और उस समय 17 मार्च 1908 ईस्वी में महथाडीह जिला गिरिडीह तखनक हजारीबाग जिला था, उस समय अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मैं एगो ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकर पापे का नाम बलदेव उपाध्याय और इनके पिताजी का नाम बलदेव उपाध्याय। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि उनके पिताजी का भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का पिताजी का नाम क्या था, तो बलदेव उपाध्याय। और माए का नाम शांति देवी रहे, बादे विष्णुगढ़ में बसला और बाद में विष्णुगढ़ में आके बसते हैं। इनकर बूबा आजा कर नाम अयोध्या प्रसाद उपाध्याय रहे, और इनकर बुआ यानी दादाजी का नाम अयोध्या प्रसाद उपाध्याय रहे। इनकर बाप 6वें पहर मोर गेल रह गेल कर चलते इनकर पालन पोषण इनकर बुआ करल रहत। और इनके पिताजी जब वो बच्चे थे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, उस समय उनके पिताजी गुजर चुके, उसके बाद उनका भरण पोषण उनके दादाजी किए थे। व्याकुल जी 17 सितंबर 1984 ईस्वी में ये दुनिया छोड़ दिला, और व्याकुल जी 17 सितंबर 1984 ईस्वी में दुनिया छोड़ दिला। शिक्षा 5 क्लास तक पढ़ल बादे ये काशी चल गया, और 5 क्लास पढ़े उसके बाद वो काशी चल गए। कोई कहा हत कि भाग के गेल रहा था, और कोई बोलते हैं कि भाग के गए थे जे बादे ई घूरला, और वो फिर बाद में घूम जाते हैं। हिंदी अंग्रेजी संस्कृति कर जानकारी स्वाध्याय से करल हला, और हिंदी अंग्रेजी संस्कृत कर जानकारी स्वाध्याय एक होता है, ग्रुप टाइप से समूह टाइप से वो किया जाता है गांव टोला माला में कहीं भी। तो व्याकुल जी गांधीवादी कांग्रेसी रहा था, व्याकुल जी कांग्रेसी थे। समय के मुताबिक आज़ादी की लड़ाई वो 1985 ईस्वी कांग्रेस से जुटला, और 1985 ईस्वी में कांग्रेस में मिल जाते हैं। हजारीबाग के पहले सांसद बाबू रामनारायण सिंह संगे रह के कांग्रेस कर प्रचार प्रसार और सामाजिक काम कर रहा है। और 1985 ईस्वी में जब कांग्रेस में जुटते हैं तो फिर रामनारायण सिंह का जीवनी भी हम लोग देखे हैं, तो आप लोग जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो उनके साथ में वो प्रचार वगैरह प्रसार करने लगते हैं। यह रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता सरस्वती सुशीला देवी संग काम करे के मौका मिलल, और उसी समय फिर वो सरस्वती कांग्रेस के सुशीला देवी संग में काम करने का मौका मिलता है। यह संगत उनका प्रेम में बदल गया, और वही संगत उनका प्रेम में बदल जाता है। बादे वो बिहार में बंधाया गया, और वो फिर
शादी कर लेता है। ये सरस्वती सुशीला देवी रांडी रहिक आर ई बिहार कर पहल मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह कर सगी भतीजी रहे, और वो जिसका पति नहीं मर चुका था वो थी, और बिहार कर पहल मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह कर अपनी भतीजी थी। इन ईयर अंतर्जातीय बिहार करल रहत और है एक रानी जानी से। तो ये था भुवनेश्वर दास शर्मा व्याकुल का जीवनी, आप लोग देख सकते हैं एक नज़र विस्तार से। अब इसके आगे देखेंगे काव्यगत विशेषता भुवनेश्वर दास शर्मा व्याकुल का। तो बने रहिए हमारे चैनल केरल पट्टा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग केरल पट्टा।